साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का। मैं घनश्याम। तो आरएएस 2023 की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं और आज मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 2022। तो सितंबर 2022 में इस नीति को लॉन्च किया गया था, 17 सितंबर को, और इसीलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस नीति पर बात करने से पहले मैं कुछ और भी आपको इस नीति से जुड़ी हुई चीज़ें बताना चाहूँगा, जो जानना बहुत ज़रूरी है और जहाँ से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में हस्तशिल्प के विकास पर हम काम क्यों कर रहे हैं। ये तो आप सभी को पता है कि राजस्थान में हस्तशिल्प की अगर हम बात करें तो इतनी बेहतरीन कलाएं हमारी यहाँ पर स्थित हैं और लगभग हर ज़िले में 3 से 4 महत्वपूर्ण कलाएँ जो है वो उनके केंद्र बने हुए हैं। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से निर्मित वस्तुएँ। अब इनमें ज़्यादातर में कच्चे माल के रूप में लकड़ी का, मार्बल का या चमड़े और विभिन्न प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे कि अब जयपुर की अगर हम बात कर लें तो तारकशी से लेकर विभिन्न प्रकार के कपड़े, रंगाई छपाई, पेपर मेशी, ब्लू पॉटरी, इस तरह की बहुत सी कलाओं को जो है जयपुर में आप देखते हैं और एक बहुत बड़ा मार्केट भी इनका है। दूसरा क्या है कि कच्चे माल के साथ साथ हमारे यहाँ पर बहुत से प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं, हस्तकला विशेषज्ञ हैं और मास्टर शिल्पकार हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली हुई है और इनको जो है इनकी जो उत्पाद है उनको काफ़ी बड़े स्तर पर निर्यात भी किया जाता है। अब हमारी ज़रूरत यह है कि हमको इस जो हस्तकला है इसको एक व्यवसाय के रूप में विकसित करना है, ताकि न केवल रोजगार मिल पाए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आय देश को हो पाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें आज के समय में हमारे यहाँ पर हस्तशिल्प की, तो हस्तशिल्प में लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका है। राज्य का जो अगर हम बात करें निर्यात है उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि 2020-21 में 6,205 करोड़ रुपए के हस्तशिल्प को निर्यात किया है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट और दरी, इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ से निर्यात करते हैं। तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी तरह से अगर एक नीति पर काम करें तो देश में और राज्य में दोनों में हस्तशिल्प के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से राजस्थान में एक काउंसिल है जिसका नाम है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ये पूरे विश्व भर में जो है क्राफ्ट से रिलेटेड मामलों को देखती है और इसने 2016 में राजस्थान का जो जयपुर शहर है इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से मान के चलो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नीति के अंदर इसको सीधी सीधी जगह दी गई है। ठीक है, उसकी जो भूमिका है उसमें, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी किसको बोलते हैं ये पूछे तो आप बता सकते हैं। जयपुर शहर को 2016 में ये मान्यता दी गई थी। दूसरा जो हमारी रिप्स है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, ये एक घोषित की गई थी। 2022 वाली जो रिप्स है उस पर मैं बात कर चुका हूँ और ऊपर लिंक पर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है। वो वीडियो आपको हमारी बूस्टर सीरीज़ में भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसको जा करके देख सकते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट जो है इसको थ्रस्ट सेक्टर बोला है। थ्रस्ट सेक्टर क्या होता है मैंने आपको RIPS 2022 वाले वीडियो में समझाया है, तो वहाँ पर आप इसको एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये थ्रस्ट सेक्टर है, प्यासा सेक्टर है। ठीक है, और इसको ज़रूरत है इस क्षेत्र में काम करने की। अगर काम किया जाए तो ये सेक्टर आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण सेक्टर बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी नीति की। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति के उद्देश्य क्या हैं, इसके प्रावधान क्या है, उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो योजना प्रारंभ कब हुई, ये तारीख आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 17 सितंबर 2022। इसी दिन एक और नीति लॉन्च की गई थी जिसको बोलते हैं MSME नीति 2022, और इस नीति के बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। अभी हम फोकस करते हैं हमारी हैंडीक्राफ्ट नीति पर। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी पर उद्देश्य क्या क्या है, तो देखो किसी भी नीति का अगर हैंडीक्राफ्ट नीति है तो पहला उद्देश्य होगा मानवीय उत्थान, और इसीलिए हस्तशिल्प और बुनकरों का जो उत्थान है वो इसका सबसे पहला लक्ष्य रहेगा। तो जो भी हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं, चाहे वो पत्थर पर काम कर रहे हों, वो लकड़ी पर काम कर रहे हों, चमड़े पर काम कर रहे हों, सभी को इसमें कवर किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि। तो 5 साल जो ये नीति है ये 31 मार्च 2026 तक लागू है। ठीक है, तो इस अवधि में 5 वर्ष की जो अवधि है उसमें 50,000 रोजगार ये डेवलप करेगी, विकसित करेगी, ऐसा मान के चलना है। उन्नत तकनीक, टेक्नोलॉजिकली जो है डेवलप करना। विपणन सहायता, तो वस्तुओं को बेचने में उनकी मार्केटिंग हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उनको निर्यात करना हो, उनकी टैगिंग हो, उनको जियो टैग्स दिलाना हो, ये सारे काम। वित्तीय सहायता ऋण के रूप में, कि अगर आपको अपना कुछ नया हस्तशिल्प उद्योग विकसित करना है, MSME स्थापित करना है, तो यहाँ पर ऋण दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, बीमा हो सकता है, ठीक है,
बीमा के साथ साथ और क्या हो सकता है, पेंशन हो सकती है, और क्या हो सकता है, आपकी छात्रवृत्तियाँ हो सकती हैं इनके बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो है अवेलेबल कराने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसके बाद में क्लस्टर और शिल्पग्राम, जो क्राफ्ट विलेज होते हैं वो विकसित करके, या एक क्लस्टर जिस एरिया में कोई विशेष शिल्प है उसके लिए विकसित करके, और वहाँ पर एक जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए ताकि उन लोगों को प्रमोट हो, उनको परिवहन की सुविधा मिले, मेलों की सुविधा मिले उस क्षेत्र में, वो सारा व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और एक और उद्देश्य क्या है, रोजगार के अवसर सृजित करना, इस पर हमने बात कर ली। और राज्य की जो लिंग्विशिश जो क्राफ्ट्स हैं, मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि उनको लेकर के वो देखने को ही ना मिले आपको, तो जो अंतिम उनके कारीगर हैं उनको अगर हम संरक्षण दे पाएँ तो शायद हो सकता है आने वाले समय में युवाओं के लिए वो रोजगार का माध्यम बन जाए। तो ये उद्देश्य हैं हमारी इस नीति के। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक हस्तशिल्प नीति का उद्देश्य है या नहीं है, और मान के चलिए मेंस परीक्षा में बहुत संभावनाएं हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। अब आते हैं प्रावधानों पर। तो प्रावधानों की बात करें तो सबसे पहला काम तो आर्थिक उत्थान और विकास के लिए है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो क्या क्या कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा, तो ये इसको यहाँ से जोड़िए आप सीधा ही, तकनीक देना, विपणन सहायता देना, वित्तीय सहायता देना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये सारे प्रावधान इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। दूसरा लक्ष्य क्या है, उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और निर्यात प्रोत्साहन। तो दो चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएगी, एक तो आपके ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उसके माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, दूसरा टैगिंग करके, ठीक है, जो भी हमारे उत्पाद हैं उनको टैग किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग बेहतर तरीके से की जाएगी। और इसके अलावा यदि किसी भी मेलों में और इनमें अगर कोई भाग लेते हैं तो वहाँ पर इस हमारा राजस्थान का स्टॉल लगा करके वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को स्थान दिया जाएगा। तीसरा, प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान पुरस्कार दिए जाएंगे हस्तशिल्प के। पुरस्कार किस किस को देंगे, युवा पुरस्कार दे सकते हैं 35 वर्ष से कम उम्र के जो भी लोग हैं उनको, ठीक है, महिला हस्तशिल्पियों को पुरस्कार दिया जा सकता है, जो अनुभवी बुनकर और दस्तकार हैं उनको ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं, या फिर निर्यात जो कर रहे हैं उनको ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। ये चार कैटेगरीज में पुरस्कार इस दिन दिए जाएंगे। विलुप्त होती जो हस्तशिल्प हैं उनका पुनरुद्धार करना, ये भी इसके लक्ष्यों में सम्मिलित है। राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह इसमें आई गया, मैंने जैसा आपको बताया। और ऋण, तो 3 लाख रुपए तक का कोई भी ऋण जो अगर हस्तशिल्पियों को मिलता है तो उस पर पूरा का पूरा ब्याज जो है वो सरकार वहन करेगी, ताकि मूल रकम के साथ में यहाँ पर हस्तशिल्पी अपने जो भी व्यवसाय है उसको बढ़ावा कर सके और देश में और राज्य में दोनों में ही हस्तशिल्प की जो हमारी स्थिति वर्तमान में उसमें और सुधार आ सके और निर्यात का अच्छा स्रोत बन सके, क्योंकि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का ये सोर्स हमारा बन सकता है जो व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद करेगा। तो ये है हमारी राष्ट्रीय हस्तशिल्प नीति के बारे में। दोस्तों, RAS परीक्षा की तैयारी में एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ आप सबके लिए है वो है प्रीवियस ईयर के पेपर। इसके दोहरे लाभ आपके पास होते हैं, क्या क्या। पहला लाभ तो ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, उन प्रश्नों के साथ जो RPSC पूछती है उसी पैटर्न पर। और दूसरा, आपके लगभग 30 प्रश्न पिछली बार आपके RAS प्रीलिम्स में पूछे गए हैं डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में से। अब ऐसा कोई कोर्स आपको ऑनलाइन तो मिलता नहीं है, लेकिन RAS जंक्शन पर हमने लगभग 70 से भी ज़्यादा पेपर 2011 से लेकर के 2022 तक के उनको एक जगह संग्रहित करने का प्रयास किया है, और उनमें से भी विशेषकर वो प्रश्न जो आपके RAS परीक्षा के सिलेबस में, वो सारे के सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो केवल मात्र 399 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल है एक साल के लिए हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है RAS जंक्शन ऐप। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वहाँ जा सकते हैं और 399 रुपये खर्च करके लगभग 70 के करीब टेस्ट, मतलब 5 रुपये का एक टेस्ट आपको ये लगभग पड़ेगा, लेकिन आप मान के चलें कि आपके 30 प्रश्न तो वैसे कवर हो जाएंगे, दूसरा आपको जो टेस्ट सीरीज देने की जो आवश्यकताएं हैं वो भी आपकी यहाँ से इस कोर्स से पूरी होने वाली है। तो बस आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ आगे बढ़ें, और निश्चित रूप से मैं बताता हूँ आप 30 प्रश्न पिछली बार पूछे गए और इतने ही प्रश्न आपको इस बार भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को अगर आप धार देना चाहते हैं, बाकी छात्रों से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।